जी सलाम दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, दोस्तों हम वीडियो आज पार्ट टू लेके आए हैं। ये पार्ट वन में हमने आपको दिखाया था बेड की और सेट टेबलें, इसकी मेकिंग, इसको तैयार किया था हमने। तो दोस्तों हमने आपसे कहा था कि पार्ट टू में हम इसकी मुकम्मल आपको फिनिशिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो दोस्तों ये वो पार्ट वन वाला पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको ये मुकम्मल इसकी मेकिंग दिखा रहे हैं। तो इस मेकिंग के बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी तमाम जो इसकी फिनिशिंग है, इस पे हम जो मटेरियल लगाएंगे वो डीको फिनिशिंग पॉलिश है, उसमें हमने इसको तैयार करना है। और इसके साथ ही हम आपको पोशिश भी इसकी दिखाएंगे जो हमने इसके अंदर खूबसूरत सी एक डिज़ाइनिंग बना के इसके लगानी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे उसकी मेकिंग और उसकी फिटिंग। तो दोस्तों हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। शुक्रिया। जी तो दोस्तों अभी ये पुटीने हो रही हैं, पुटीनों के बाद हम इसके ऊपर ये अस्तर होता है, ये अस्तर लगाएंगे। ये इसलिए लगाते हैं कि ताकि शीट के अंदर ये जब्ज़ हो जाए और जब हम इसके ऊपर जो भी कलर करें वो अपने अंदर इसको जब्ज़ ना करें, और अगर हम इसके ऊपर कोई कलर करते हैं तो वो कलर खुश्की ना मारे, इस वजह से ये इसके ऊपर अस्तर सबसे पहले अस्तर लगाते हैं। ये अस्तर लगाने के बाद इसके ऊपर स्टील की पटीने होती हैं, फिलिंगें होती हैं, उस वजह से इसकी मुलायमियत आ जाती है और इसकी बेस अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों अगर आपने भी हमसे काम करवाना है वुड का, घर की अलमारियां, किचन और ऑफिस का, कॉल सेंटर, स्टूडियोज़ वगैरह वुड के हवाले से, तो दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखना है। दोस्तों ये बड़ा प्यारा अच्छा सा बेड हम तैयार कर रहे हैं और आप हमें बता सकते हैं कि हम किस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आए। Thank you.
हो चुकी है। कैसी है? मुझे बहुत